हेलो बच्चों, आज हम क्लास सेवेंथ की इंग्लिश हनी कॉम बुक का चैप्टर नंबर 1-3 क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो बच्चों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इससे आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, अ किंग हैज 3 क्वेश्चंस एंड ही इज सीकिंग आंसर टू देम। व्हाट आर द क्वेश्चंस? डज द किंग गेट व्हाट ही वांट? तो जो कहानी में एक राजा होता है जिसके पास 3 क्वेश्चंस होते हैं और वो इन 3 क्वेश्चंस का आंसर चाहता है। वो चाहता है कि कोई इन्हें 3 क्वेश्चन का आंसर बता दे, लेकिन वो 3 क्वेश्चंस क्या है ये तो हमें कहानी पढ़ करके ही पता चलेगा। और क्या राजा को उनके आंसर्स मिले, क्या वो राजा जो चाहता था उसे वो मिला या नहीं, ये भी हमें स्टोरी पढ़ के ही पता चलेगा। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स। दीज 3 थिंग्स वर। एक बार एक राजा के दिमाग में एक बात आती है, एक विचार आता है और वो सोचता है कि वो लाइफ में कभी फेल नहीं होगा अगर उसे ये 3 चीजें, 3 बातें पता हों। तो वो 3 बातें क्या थी? पहली बात थी कि व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी भी काम को शुरू करने का सही समय क्या होता है। पहला क्वेश्चन जो उसके दिमाग में था वो ये था कि किसी भी काम को शुरू करने का सबसे सही समय क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन था कि विच पीपल शुड ही लिसन टू, उसे किन लोगों का कहना मानना चाहिए, किसकी बात माननी चाहिए। और थर्ड क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, उसे सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है जो कि उसे करना चाहिए। तो ये जो 3 क्वेश्चंस थे राजा के दिमाग में आते हैं और राजा सोचता है कि अगर मुझे इनका आंसर्स पता हो तो मैं तो लाइफ में कभी फेल ही नहीं होऊंगा। द किंग देयरफॉर सेंड मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस। इसलिए राजा जो है अपने दूतों को, मैसेंजर्स का मतलब होता है दूत, तो वो अपने दूतों को पूरे राज्य में भेजता है और उनसे कहलवाता है कि जो भी व्यक्ति इन 3 क्वेश्चंस का आंसर, सही आंसर, अच्छा आंसर उसको देगा, उसको राजा एक बहुत ही बड़ा अमाउंट ऑफ मनी जो है गिफ्ट करेगा। तो इस तरीके से उसके जो राजदूत हैं वो मैसेज लेकर के जगह जगह जाते हैं। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग बट दे विल आंसर दीज क्वेश्चंस डिफरेंटली। तो बहुत सारे समझदार आदमी, वाइज का मतलब होता है समझदार, तो बहुत सारे समझदार आदमी आते हैं राजा के पास, लेकिन उन सब ने जो क्वेश्चंस के आंसर दिए थे बहुत ही अलग अलग तरीके से दिए थे, बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स दिए थे। इन द रिप्लाई ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली। पहला क्वेश्चन जो था राजा का कि कौन सा सही समय है किसी भी काम को करने का, स्टार्ट करने का, उसके क्वेश्चन के आंसर में कुछ लोग कहते हैं कि राजा को एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए और उसका स्ट्रिक्टली पालन करना चाहिए, और फिर वो अगर टाइम टेबल के हिसाब से अगर सारा काम करेगा तो फिर वो कभी भी लाइफ में फेल ही नहीं होगा। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम। और केवल यही तरीका है कि वो सारे कामों को अपने सही समय पर कर पाएगा राजा। अदर सेड दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये तो पहले से डिसाइड कर लेना कि किसी भी काम को करने का सही समय क्या है, ये तो इम्पॉसिबल है, मतलब हम पहले से किसी भी काम को करने का समय बता नहीं सकते। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर्स एंड ऑलवेज डू वट एवर सीम्ड नेसेसरी एट दैट टाइम। और कुछ लोगों ने कहा कि राजा को जो फालतू के जो प्लेजर्स हैं, मतलब जो भी मौज मस्ती के काम हैं, उनको उसे छोड़ देना चाहिए और सारी चीज़ों को बहुत ही ध्यान से नोटिस करना चाहिए और जो समय के अनुसार उस समय पर जो सबसे सही काम लगे, वट एवर सीम्ड नेसेसरी, जो भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दिखे वो काम उसे उस समय करना चाहिए। Yet another said that king needed a council of wise men who would help him act the proper time. तो कुछ लोग कहते हैं कि राजा को अपने लिए एक समझदार लोगों की काउंसिल रखनी चाहिए, यानी कि समझदार लोगों की एक सलाहकार समिति रखनी चाहिए और वो लोग ही बता पाएंगे कि राजा को कि कौन सा काम उस समय पे करने के लिए इम्पॉर्टेंट है और फिर राजा उसको कर पाएगा। This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from other the right time for every रिएक्शन। ऐसा वो लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि एक अकेले आदमी के लिए, यानी कि एक अकेले राजा के लिए बहुत ही मुश्किल होगा ये डिसाइड करना हर बार, वो भी सही डिसाइड करना कि कौन कौन सा टाइम सही है कुछ भी हर काम को करने के लिए, कि मतलब अकेले राजा इतने सारे कामों के लिए सही टाइम का डिसीजन कैसे ले सकता है। राजा के पास तो बहुत सारे काम है, तो अकेले वो सारे कामों के लिए जो सही टाइम है वो कैसे डिसाइड कर सकता है। इसीलिए उसे काउंसिल्स ऑफ मैन रखना चाहिए, समझदार आदमी
बच्चों की काउंसिल रखनी चाहिए और वो ही उन्हें बता पाएंगे कि कौन सा टाइम सही है किसी भी काम को करने का। बट देन अदर सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच वुड बी अर्जेंट। लेकिन फिर उसको काउंटर करते हुए कुछ लोग कहते हैं, यानी कि उसके विपरीत कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये तो गलत बात है, क्योंकि कुछ काम तो होते हैं जो कि बहुत ही अर्जेंट होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और उसके लिए आप अपने वाइज मैंस को और अपने काउंसलर्स को जब तक कंसल्ट करोगे, उनसे पूछोगे, तब तक तो भाई बहुत लेट हो जाएगी। दिस थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ काउंसिल्स, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें होती हैं कई बार इतनी ज़रूरी कि वो काउंसिल की हेल्प का और काउंसिल के डिसीजन का वेट ही नहीं कर सकती हैं इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। इसीलिए किसी भी काम के सही टाइम को डिसाइड करने के लिए इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर। ये बहुत ही ज़रूरी है कि एक इंसान जो है वो भविष्य देख पाए, एंड ओनली मैजिशियन कुड डू डैट। और उनके हिसाब से जो है मैजिशियन ही है जो कि फ्यूचर देख सकता है। द किंग देयरफॉर वुड गो टू द मैजिशियन, और इसीलिए राजा को एक मैजिशियन के पास जाना चाहिए। तो देखिए बच्चों, पहले क्वेश्चन का आंसर जिसमें कि ये था कि किसी काम को कब सही समय पे शुरू करें और वो सही समय क्या होगा, उसके लिए तो लोग इतना सारा अलग अलग आंसर दे रहे हैं। लोग कह रहे हैं, कोई कह रहा है कि टाइम टेबल बनाओ, तो कोई कह रहा है कि अपने फालतू प्लेजर को छोड़ो और हमेशा अलर्ट रहो और जो भी काम जरूरी दिखे वो करो, और तो कोई कुछ कह रहा है कि भाई काउंसिल्स की मदद लो, सलाहकार लोगों की मदद लो, तो कोई कह रहा है कि कुछ काम होते हैं जिनके लिए काउंसिल्स के डिसीजन का इंतजार नहीं किया जा सकता, तो इसलिए मैजिशियन का मदद लो ताकि वो फ्यूचर देख करके आपको बता दे कि क्या काम करने का सही समय है। तो इस तरीके से सब लोग अलग अलग आंसर्स देते हैं। फिर जो दूसरा क्वेश्चन होता है, दूसरा क्वेश्चन क्या था बच्चों, चलिए यहाँ देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन था कि विच पीपल शुड ही लिसन टू, किन लोगों का राजा को काम कहना मानना चाहिए। इस क्वेश्चन के रिप्लाई में भी लोग अलग अलग आंसर्स देते हैं। इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर्स, अदर सेड द प्रीस्ट, फ्यू अदर चूज द डॉक्टर, एंड येट अदर सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी। तो सेकंड क्वेश्चन के आंसर में लोग कहते हैं कि भाई राजा को अपने काउंसलर्स का कहना मानना चाहिए, यानी कि वही जो काउंसलिंग समिति के लोग थे ना, जो कि समझदार लोगों की जो ग्रुप था, यानी कि उसके जो मंत्री लोग थे, उनका कहना मानना चाहिए जो कि उसको सलाह देते हैं। बाकी कुछ का मानना था कि राजा को प्रिस्ट का यानी कि पुजारी का कहना मानना चाहिए। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, राजा को डॉक्टर्स का कहना मानना चाहिए ताकि वो बता सकें कि राज्य के जो लोग हैं सबकी हेल्थ अच्छी रख सके और इससे रिलेटेड होना चाहिए। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, राजा को तो अपने सोल्जर्स का कहना मानना चाहिए, क्योंकि सोल्जर्स ही बता सकते हैं कि भाई पड़ोसी देश के साथ हमारे कैसे रिलेशन है और हमें कैसे उनको जीतना है और कैसे हराना है। इस तरीके के डिसीजंस के लिए लोग कहते हैं नहीं भाई, राजा को सोल्जर्स का कहना मानना चाहिए। तो इस बात के भी राजा को अलग अलग आंसर्स मिलते हैं। तो फिर जो थर्ड क्वेश्चन था, यानी कि व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, राजा के लिए सबसे जरूरी काम क्या है, सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट काम क्या है जो राजा को जरूर करना चाहिए। तो इस पे कुछ लोग कहते हैं, टू द थर्ड क्वेश्चन सम सेड साइंस, अदर चूज फाइटिंग, एंड येट अनदर रिलीजियस वर्शिप। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई विज्ञान की चीजें जो है वो सबसे जरूरी है, तभी देश तरक्की कर सकता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि लड़ाई झगड़े वाली चीजें, फाइटिंग के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए ताकि कोई दूसरा राजा हम पर अटैक ना कर पाए और हम पर कब्जा ना कर पाए। तो कुछ लोग कहते हैं कि हमें धर्म कर्म के काम करने चाहिए और पूजा पाठ करने चाहिए। एज द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चन वर सो डिफरेंट, द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड। क्योंकि इन क्वेश्चन के आंसर इतने डिफरेंट थे कि राजा को बिल्कुल भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, राजा बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ, यानी कि संतुष्ट नहीं हुआ। तो इसलिए उसने कोई रिवॉर्ड नहीं दिया, यानी कि कोई इनाम नहीं दिया। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट हु वाज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम। इसकी बजाय, इंस्टेड का मतलब होता है इसकी बजाय राजा ने सोचा कि वो ना जो एडवाइस है उस एडवाइस को लेने के लिए एक हर्मिट के पास जाएगा। हर्मिट बच्चों ऐसे लोग होते हैं जो कि अपना सब कुछ पीछे छोड़ करके एक सिंपल सी जिंदगी जीने के लिए जंगलों में चले जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ वो होते हैं ना बाबा लोग, उस तरीके से उनके किंगडम में भी कोई हर्मिट होगा। तो राजा सोचता है कि मैं उस हर्मिट के पास जाऊँगा जो कि अपने विजडम के लिए यानी कि अपनी समझदारी के लिए बहुत ही फेमस था। तो राजा सोचता है मैं उससे जा करके इन तीनों क्वेश्चन का आंसर पूछूंगा। द हर्मिट लिव्ड इन वुड विच ही नेवर लेफ्ट। वुड का मतलब होता है बच्चों जंगल। वैसे वुड का मतलब लकड़ी भी होता है, लेकिन वुड का मतलब जंगल भी होता है।
होता है। तो यहाँ पे वुड का मतलब जंगल है। तो जो हर्मिट था वो जंगलों में रहता था और उसने कभी भी अपनी झोपड़ी जो है या जंगल जो है अपना घर वो कभी भी वहाँ से छोड़ा नहीं था। ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल। वो किसी से मिलता जुलता भी नहीं था, वो केवल सिंपल लोगों से मिलता था। सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स बिफोर ही रीच द हर्मिट हट एंड द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडी गार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। तो राजा ने क्या किया, आप सिंपल से जो कपड़े हैं ऑर्डिनरी कपड़े हैं वो पहने और उसके बाद वो हर्मिट की झोपड़ी की तरफ चल दिया। थोड़ी दूर पहुंचते ही जैसे उसकी झोपड़ी आने वाली थी, राजा ने अपना घोड़ा और अपने जो बॉडीगार्ड थे उनको वहीं छोड़ दिया, रुकने के लिए कह दिया और अकेला ही वहां चला गया, उसके हर्मिट की हट में चला गया। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। तो जैसे ही राजा वहां पहुंचा कि हर्मिट की हट के बाहर, तो राजा ने देखा कि जो हर्मिट है वो ग्राउंड में यानी कि जमीन में डिगिंग कर रहा है। डिगिंग का मतलब होता है गड्ढे खोदना, तो गड्ढे खोद रहा था अपनी हट के बाहर। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग। उसने राजा को ग्रीट किया। ग्रीट का मतलब होता है जैसे कोई आता है तो हम नमस्ते वगैरह करते हैं ना, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून या कुछ भी, तो उस तरीके से उसने उसको ग्रीट करा राजा को भी और फिर अपना गड्ढा खोदने का काम जो है वो कंटिन्यू करता रहा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एज ही वर्कड ही ब्रीद हैवीली। तो जो हर्मिट था वो बहुत ही बूढ़ा हो चुका था, इसी वजह से वो बहुत ही कमजोर भी था और क्योंकि वो इतनी देर से डिगिंग कर रहा था, काम कर रहा था, इसलिए वो बहुत तेज सांसें भी ले रहा था। इस शब्द का मतलब होता है बच्चों बहुत तेज सांसें लेना, हाफ जाना, जैसे हम कुछ काम करते हैं और हाफ जाते हैं ना, तो ऐसे हर्मिट भी हाफ रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड। तो राजा जो है वो हर्मिट के पास जाता है और कहता है आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू द आंसर्स थ्री क्वेश्चंस। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो राजा जो है वो हर्मिट को बताता है कि मैं आपके पास तीन क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ और मैं आपसे उन तीनों क्वेश्चन का आंसर जानना चाहता हूँ। और फिर वो अपने तीनों क्वेश्चंस बताता है कि कौन सा समय जो है वो सही है किसी भी काम को करने के लिए और कौन से लोग हैं जिनका मुझे कहना मानना चाहिए और क्या क्या काम है जो कि मुझे करने चाहिए। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट ही डिड नॉट स्पीक। तो जो हर्मिट होता है वो राजा की बात को ध्यान से सुनता है लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता। ही वेंट ऑन डिगिंग और वो बस गड्ढा होता रहता है। यू आर टायर्ड सेड द किंग, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। तो राजा कहता है कि आप थक गए होंगे तो प्लीज मुझे अपनी जो स्पेड है यानी कि जो कुदाली है जिससे आप ये खोद रहे हो गड्ढा, ये मुझे दे दो और मैं आपकी जगह ये गड्ढा खोद देता हूँ। तो वो हर्मिट जो होता है वो राजा को कहता है थैंक यू और उसको अपनी स्पेड दे देता है और फिर राजा जो है वो ग्राउंड को खोदना शुरू कर देता है और हर्मिट जो है वो बैठ जाता है ग्राउंड में ही। When the king had dug two beds, अब राजा जब दो गड्ढे खोद लेता है, beds का मतलब होता है यहाँ पे गड्ढे, two beds मतलब दो गड्ढे जो है राजा ने खोद लिए हैं। He stopped and repeated his question, राजा रुकता है और अपने तीनों क्वेश्चन रिपीट करता है। The hermit gave no answer but stood up stretching out his hand for the spade and said, now you rest and let me work। जो हर्मिट होता है फिर वो उठता है और अपने हाथों को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि लाओ ये जो स्पेड है ये जो कुदाली है ये मुझे दे दो और अब आप रेस्ट करो और मैं काम करता हूँ। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डू। लेकिन राजा जो है वो उसको स्पेड नहीं देता और खुद ही अकेले गड्ढा खोदता रहता है। वन आवर पास देन अनदर, द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्री एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड आई केम टू यू वाइज मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस। इफ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो आई विल रिटर्न होम। हियर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट। तो जब एक घंटा बीत जाता है उसके बाद एक और घंटा बीत जाता है, राजा गड्ढा खोदता रहता है और जो सूरज है वो नीचे जाने लगता है यानी कि अब शाम होने लगी है। तो राजा जो है वो थक करके अपना जो स्पेड है वो जमीन में रख देता है और फिर उस आदमी के पास यानी कि हर्मिट के पास जाता है और बोलता है कि मैं यहाँ आपके पास अपने कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया था और मैं चाहता था कि आप मुझे वो आंसर्स दे दो, अगर आप मुझे आंसर नहीं देना चाहते तो मुझे बता दो ताकि मैं घर जा सकूँ। तो हर्मिट कहता है कि वो देखो कोई भागता हुआ आ रहा है। तो वहाँ पे पार्ट वन खत्म हो जाता है, फिर पार्ट टू में देखिए क्या होता है। द किंग टर्न राउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम, हिज हैंड वर प्रेस्ड अगेंस्ट द स्टमक फॉर विच ब्लड वॉज फ्लोइंग। When he reached the king, he fainted and fell on the ground. The king and the hermit removed the man's clothes and found a large wound in his stomach. The king washed and covered it with his handkerchief.
but the blood would not stop flowing. The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. तो जो राजा है जो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पर एक बियर्डेड मैन यानी कि एक दाढ़ी वाला आदमी जो है वो उनकी तरफ भागा हुआ चला आता है और उसने अपने हाथों से अपने पेट पर ना प्रेस कर रखा होता है, मतलब दबा रखे होते हैं अपने हाथों से अपने पेट को और भागा चला हुआ आ रहा है और उसके हाथ से और पेट से पूरी तरफ से खून ही खून निकल रहा होता है। और जैसे ही वो राजा के पास पहुँचता है ग्राउंड पे गिर के फेंट हो जाता है। बच्चों फेंट का मतलब होता है बेहोश हो जाना। तो वो जैसे ही राजा के पास पहुंचता है ग्राउंड पे गिरता है और बेहोश हो जाता है। तो राजा और हर्मिट क्या करते हैं, जल्दी से उस आदमी के कपड़े हैं जो रिमूव करते हैं और देखते हैं तो उसके पेट पर एक बड़ी सी चोट लगी होती है, घाव लगा होता है। तो जो राजा जो है उसके घाव को धोता है और फिर उसको अपने जो हैंकी होती है उससे रुमाल से उसको कवर करने की कोशिश करता है लेकिन खून नहीं रुकता, काफ़ी सारा खून बह रहा होता है। तो राजा उसको दोबारा से रिड्रेस करता है, दोबारा से उसकी पट्टियाँ करता है और तब तक करता रहता है जब तक कि उसका खून नहीं रुक नहीं जाता, बहना बंद नहीं हो जाता। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। फिर आदमी को थोड़ा बेटर फील होने लगता है तो वो उससे कुछ पीने के लिए मांगता है। द किंग ब्राउट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम। फिर राजा जो है वो फ्रेश पानी लेकर के आता है और उसको दे देता है। बट दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल। द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरीड द वाउंडेड मैन इन टू द हर्ट, लेड हिम ऑन द बेड। द मैन क्लोज हिज आइज एंड लेड क्वाइटली। द किंग टायर्ड बाई हिज walk and the work he had done lay down on the floor and slept through the night. When he awoke it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. तो फिर जब तक तो जब वो पानी ला करके देता है उसको आदमी को और वो आदमी पीता है तब तक तो शाम हो चुकी होती है और सूरज जो है पूरी तरीके से ढल चुका होता है, सेट हो जाता है यानी कि अस्त हो जाता है और हवा जो है वो ठंडी ठंडी सी बहने लगती है। तो राजा जो है हर्मिट की मदद से उस वाउंडेड मैन को उठा करके झोपड़ी के अंदर लेके जाता है और फिर उस आदमी को वो बेड पर लिटा देते हैं। और राजा ने क्योंकि आज बहुत चला था वो और बहुत सारी मेहनत करी है, गड्ढे वड्ढे खोदे हैं, तो वो भी थक जाता है और वहीं ज़मीन पर वो भी लेट जाता है। और जब वो अगली सुबह उठता है तो उसको थोड़ी देर तक तो याद ही नहीं आता कि वो कहाँ है, मतलब ऐसा लगता है कि अरे मैं कहाँ आ गया, ये मैं कहाँ हूँ, कैसे आ गया। फिर थोड़ी देर बाद जब उसे पता चलता है कि अच्छा ये स्ट्रेंज मैन और सब कुछ उसे याद आता है तब तक पीछे से कुछ आवाज़ आती है। फॉरगिव मी, सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस When he saw that the king was awake, पीछे से आवाज़ आती है कि मुझे माफ़ कर दो और बहुत ही हल्की सी वो आवाज़ होती है। वो जो दाढ़ी वाला आदमी होता है जिसको कल चोट लगी थी वो राजा को जब देखता है कि वो राजा जग गया है तो वो धीमे से बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए। आई डोंट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग। राजा कहता है मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ तो माफ़ी किस बात की मैं आपको दूँ, मुझे तो पता ही नहीं है आप क्या बोल रहे हो। यू डोंट नो मी बट आई नो यू, आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु सॉल्व रिवेंज ऑन यू बिकॉज You put my brother to death and seized my property. I knew you had gone alone to see that hermit and I made up my mind to kill you on your way home. But the day passed and you didn't return, so I left my hiding place and came upon your bodyguard who recognized me and wounded me. I escaped from him, but I should have died if you had not dressed my wound. I wished to kill you and you saved my life. Now if I leave, I will serve you as your most faithful servant and will order my son to do the same. Forgive me. तो जो wounded man होता है वो कहता है कि आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ, मैं आपका एक दुश्मन हूँ और आपसे बदला लेना चाहता हूँ और मैं बदला इसलिए लेना चाहता हूँ क्योंकि आपने मेरे भाई को death sentence सुना दिया था, उसको मार दिया था और जो हमारी property है उसको seize कर लिया था यानी कि कब्जा कर लिया था, उसको ले लिया था, हमसे छीन लिया था। और मुझे पता चला था कि आज आप हर्मिट के पास आने वाले हो अकेले ही, तो मैंने अपना बिल्कुल दिमाग बना लिया था कि आज तो मैं आपको आपके घर के रास्ते में ही मार दूंगा, मतलब जब आप अकेले घर वापस जा रहे होगे तो मैं आपको मार दूंगा। पर पूरा दिन बीत गया और आप वापस ही नहीं आए, तो मैं जहाँ छुपा हुआ था मैं वहाँ से निकला तो वहाँ पे आपके बॉडीगार्ड्स ने मुझे देख लिया और उन्होंने मुझे पहचान लिया और मुझे मारा और मैं वहाँ से भाग करके जब आने लगा तो मैं पक्का मर जाता अगर आप मेरे जो चोट है मेरे जो घाव है उसको ड्रेस ना करते और मेरी लाइफ ना बचाते। मैं तो आपको मारना चाहता था और आपने मेरी लाइफ बचाई है, तो अगर
और अब मैं ज़िंदा रहा, अगर मैं ये सर्वाइव कर गया इस चोट से, तो मैं तो आपका ज़िंदगी भर बहुत ही वफ़ादार नौकर बन के रहूँगा और अपने बेटों को भी ऐसा ही करने के लिए कहूँगा, मतलब मेरे बेटे भी आपके नौकर बन के रहेंगे, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजिली एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड। तो राजा बहुत ही खुश होता है कि उसने एक दुश्मन को इतनी आसानी से जीत लिया और उसको एज अ फ्रेंड जीत लिया, मतलब अब उसका दुश्मन जो है वो उसका दोस्त बन चुका है। तो राजा को बड़ी खुशी होती है कि इतनी इजीली एक दुश्मन को दोस्त बनाया जा सकता है। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम एंड प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी। वो कहते हैं कि ना केवल मैंने आपको माफ कर दिया बल्कि मैं अपने नौकर भी आपके लिए भेजूंगा और अपना डॉक्टर जो है पर्सनल डॉक्टर वो भी आपके लिए भेजूंगा कि वो आपकी देखभाल करें। और राजा उसको साथ में ये भी प्रॉमिस करता है कि मैं आपकी जो प्रॉपर्टी मैंने सीज करी है वो भी आपको वापस दे दूंगा। तो इस तरीके से राजा उस आदमी से प्रॉमिस करता है। लीविंग द वुंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हर्ट लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट। तो राजा जो है उस घायल व्यक्ति को वहीं छोड़ करके झोपड़ी के बाहर आता है और हर्मिट को ढूंढने लगता है। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। जाने से पहले वो चाहता है कि एक और बार वो उस हर्मिट से क्वेश्चंस का आंसर पूछ ले, हो सकता है हर्मिट का मूड बदल गया हो तो वो उसको आंसर दे देगा। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज। जो हर्मिट होता है वो अपने घुटने पे बैठा होता है एंड शोइंग सीड्स इन द बेड दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। और उस गड्ढों में जो कि कल खोदे गए थे उनमें बीज को है बो रहा होता है। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड For the last time, I beg you to answer my questions, wise man. Last time, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप प्लीज़ मुझे मेरे questions का आंसर दे दो, क्योंकि अब राजा वहाँ से जा रहा है ना, तो last time उससे एक बार last request करता है। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. तो जो हर्मिट होता है वहीं पे बैठे बैठे अपना काम करते हुए ग्राउंड में राजा की तरफ देखता है और कहता है आपको तो मैंने आपके questions का आंसर दे दिया है। How have I been answer? What do you mean? तो राजा कहता है मुझे कैसे आंसर दे दिया आपने, क्या मतलब है आपका, मुझे तो मतलब कुछ समझ ही नहीं आया, कब दिया आपने आंसर्स? Do you not see? replied the hermit. जो हर्मिट होता है वो कहता है कि आपने देखा नहीं, If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away, then that man would have attacked you and you would have wished you had stayed with me. तो राजा कहता है क्या आपको पता नहीं है कि अगर कल आपने मेरी वीकनेस को देख करके, मेरी कमजोरी को देख करके मुझ पर दया ना खाई होती, पिटी का मतलब होता है दया करना, मुझ पर दया ना किया होता कल, तो फिर और मेरे लिए गड्ढे ना खोदे होते, तो फिर आप अपने घर वापस चले जाते, तो ये आदमी जो है ये आप पर पक्का अटैक कर देता और फिर आपको लगता कि काश मैं उस हर्मिट के पास ही रुक गया होता तो बढ़िया रहता। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम वैन यू वर डिगिंग द बेड्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम तो वही था जब आप जो यहाँ पे गड्ढे खोद रहे थे। And I was the most important man, और मैं जो था सबसे important आदमी था आपके लिए। And to do me good was your most important business, और मेरा भला करना वो आपके लिए सबसे बढ़िया सबसे अच्छा काम था। Afterwards, और उसके बाद when the man ran to us, और जब वो आदमी हमारे पास आया भागते हुए घायल अवस्था में, the most important time was when you caring for him, तो सबसे important time जो है वो हमारा अब क्या बन गया कि हम उसकी care करें, उसकी देखभाल करें, बजाय गड्ढा खोदने के अब हम उसकी देखभाल करें। Because if you had not dressed his wound, he would have died with Without having made peace with you, क्योंकि अगर हमने उसके घाव को ड्रेस ना किया होता तो फिर वो आदमी मर गया होता और उसने आपके साथ जो ये समझौता किया, पीस हो गया आपका, मतलब आपका दुश्मन था वो आपका दोस्त बन गया, तो ऐसा ना हुआ होता, वो आपका दुश्मन ही बना रहता और वो मर जाता। सो ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, तो उस समय वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैन था। एंड वट यू डिड फॉर हिम वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और जो आपने उसके लिए किया, उसकी देखभाल करी, पट्टी करा, उसको पानी पिलाया, ये आपके के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम बन गया। तो रिमेंबर, और फिर उसके बाद जो हर्मिट है वो उसको समझाते हुए कहता है रिमेंबर देन देयर इज द ओनली वन टाइम दैट इज इंपॉर्टेंट इज दैट टाइम नाउ। तो वो हर्मिट राजा को कहता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है किसी भी चीज को करने का वो है नाउ, यानी कि अभी, मतलब हमें ये टालना नहीं चाहिए कि हम ये काम बाद में कर लेंगे, हमें उसी समय करना चाहिए। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज द ओनली टाइम वी हैव द पावर टू एक्ट। ये बहुत ही जरूरी टाइम होता है क्योंकि उसी समय हमारे पास पावर होती है किसी भी काम को कर लेने की। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट, और सबसे इंपॉर्टेंट इंसान आपके लिए उस समय
में वही होता है जो आपके साथ होता है. फॉर नो वन नोज वट विल हैपन इन द फ्यूचर एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि फ्यूचर में क्या होगा और हम किससे मिलने वाले हैं या किससे नहीं. तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट इंसान आपके लिए वही होता है जो आपके साथ है. द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, और सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है कि उस इंसान का आप भला करो. बिकॉज वी वर सेंड इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन, क्योंकि हमें इस दुनिया में इसी काम के लिए भेजा गया है कि हम भलाई करें, सबका अच्छा सोचें. तो इस तरीके से हर्मिट जो है राजा को बताता है सबसे जरूरी टाइम जो है वो अभी का टाइम है, सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन जो है वो पर्सन है जो आपके साथ है उस पर्टिकुलर मोमेंट में, और सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है वो काम है कि उस इंसान का और हर किसी का जो भी आपके आसपास है उनका भला करना. तो इस तरीके से राजा को उसके क्वेश्चंस का आंसर मिल जाता है. बच्चों स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है और आई होप आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में भी आई होगी. अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. साथ में ही नोटिफिकेशन वाला बेल बच्चों जरूर ऑन कर दीजिए ताकि आपके चैप्टर्स और सिलेबस से रिलेटेड जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे.